तमन्ना भाटिया फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। बॉलीवुड से इतर साउथ इंडियन फिल्मों में उन्होंने काफी काम किया है। टॉलीवुड में उनकी गिनती टॉप एक्ट्रेस में होती है। बहुचर्चित फिल्म बाहुबली द बिगनिंग में अवंतिका का किरदार निभाकर तमन्ना ने अपना कद और भी ऊंचा कर लिया है। इसके अलावा पिछले दिनों वे बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में नजर आई है। क्या आप जानते हैं कि तमन्ना सैटर्न अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नामित होने वाली इंडिया की पहली एक्ट्रेस हैं? आइए पढ़ते हैं तमन्ना के और कुछ दिलचस्प किस्से। तमन्ना भाटिया का जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। तमन्ना के पिता का नाम संतोष भाटिया है, जो कि एक ज्वेलरी व्यापारी है। तमन्ना की माँ का नाम रजनी भाटिया और बड़े भाई का नाम आनंद भाटिया है। तमन्ना भाटिया को बचपन में ही एक्टिंग का शौक लग गया था। तमन्ना ने 12 साल की उम्र में थिएटर करना शुरू कर दिया था। तमन्ना ने 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। तमन्ना की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म चांदसा रोशन चेहरा साल 2005 में आई थी। वह सिंगर अभिजीत सावंत के एल्बम आपका अभिजीत के एक गाने लखजो में भी नजर आई। साल 2007 में शेखर कम्मुला निर्देशित फिल्म हैप्पी डेज से तमन्ना को काफी लोकप्रियता मिली। तमन्ना भाटिया न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में काफी विश्वास करती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, करियर की शुरुआत में मैंने अपने नाम की स्पेलिंग बदल ली थी। जैसे ही मैंने अपने नाम की स्पेलिंग बदली, मेरे करियर का ग्राफ ऊपर चला गया। तमन्ना ने आगे कहा कि हालांकि मैं उनमें से नहीं हूं जो अंधविश्वासी हैं। यदि अपने नाम में थोड़ा सा बदलाव करने पर आपके जीवन में सुधार आता है तो इसमें गलत क्या है? तमन्ना ने तमिल और तेलुगु फिल्मों में काफी काम किया है।